रहवासियों के घरों के पास लगे पेड़ों में चमगादड़ ने बनाया अपना बसेरा। चिरमिरी के NCPH कॉलोनी के अस्पताल से जुड़े रहवासियों के घरों के पास लगे बड़े बड़े पेड़ों में चमगादड़ों का बसेरा बना लेने के कारण वहां के आसपास के लोगों में भय का वातावरण बन चुका है। इस संबंध में चिरमिरी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष कश्यप ने हालात के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी देते हुए बताया कि NCPH कालरी अस्पताल के पास चमगादड़ों ने अपना बसेरा बना लेने के कारण वहां के रहने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कॉलोनियों से लगा सब्जी बाजार भी है, जिसके चलते आने जाने वालों पर चमगादड़ों द्वारा गंदगी शरीर में गिर जा रही है। ऊपर से गर्मी के प्रकोप के चलते यह पक्षी मर मर कर इधर उधर पड़े देखे जाते हैं। इसके संबंध में मैंने नगर पालिका निगम की आयुक्त एवं SDM साहब को इसके बारे में अवगत कराया हूं, ताकि जनता को इस परेशानी से राहत मिल सके। इस संबंध में मुक्तेश्वर कुशवाहा वरिष्ठ कांग्रेसी एवं समाज सेवी ने अपनी बात बताते हुए कहा कि मैंने 3-4 दिन पूर्व ही SDM चिरमिरी को एवं वन विभाग को इसकी जानकारी देकर इस समस्या से जनता को राहत पहुंचाने की मांग की है। इस संबंध में श्रमिक नेता रामजी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि कॉलेरी अस्पताल होने के कारण इस तरह की गंदगी अस्पताल के पास होने और रहवासियों के घर के पास लाखों की संख्या में चमगादड़ों का बसेरा है, जबकि अस्पताल के सामने बच्चों के खेलने का गार्डन भी है। इससे कोई भी बीमारी इन पक्षियों के कारण हो सकती है। इसे देखते हुए इन्हें हटाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संबंध में रहवासियों में जो भय है उसे दूर करने के लिए नगर पालिका निगम चिरमिरी, वन विभाग चिरमिरी द्वारा इन पक्षियों को भगाने के लिए कोई ठोस कदम जल्द से जल्द उठाने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस फैलने का पूरे संसार में चमगादड़ से ही संक्रमण बीमारी का हवाला दिया गया है, जिसके चलते यहाँ के रहवासियों में जो भय है उसे दूर करने के लिए जल्द से जल्द पहल की जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आप एक श्रमिक संगठन से हैं, NCPH कालरी हॉस्पिटल के पास जो बस्ती बसी है वहाँ के लोग ने आए दिन मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि वहाँ चमगादड़ों का बसेरा हो गया, इस संबंध में आप संगठन की तरफ से क्या मांग की है? मैं संगठन की तरफ से यही मांग कर रहा हूँ कि NCPH कालरी के हॉस्पिटल के पास जो हजारों की संख्या में पेड़ों के ऊपर जो चमगादड़ लटके हुए हैं, उससे भयभीत हैं लोग और एक भय का माहौल बना हुआ है, जो कि पूरे विश्व में कोरोना बीमारी का जो महामारी फैला हुआ है, जिसके चलते चमगादड़ जो है लटका हुआ रहते हैं, जिसको देख के कभी किसी के घरों में गिरते हैं, कभी वहाँ पे गिरते हैं, जिसके चलते वहाँ भय का माहौल बना हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि अतिशीघ्र उसके ऊपर आप अपने चैनल के माध्यम से जो है ऐसा करिए कि ताकि लोगों को भय का जो माहौल है उससे निजात मिल सके। आप किस संगठन से हैं और किस पद में हैं? मैं रामजी यादव जी, NCPH इंटर यूनियन के सचिव के पद पर हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। महोदय, ये कौन सा वार्ड कहलाता है? ये वार्ड नंबर 13 है। आपकी वार्ड में मैं देख रहा हूँ कि चमगिदड़ों का बसेरा है, काफ़ी बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में पेड़ों में चमगिदड़ बसे हुए हैं, और लोगों का जो इस तरह से लोग कह रहे हैं कि इससे आने वाले समय में बीमारी फैल रही है, क्या यह सच है? क्या इस बारे में आपके द्वारा कोई पहल की गई कि आप यहाँ के निवासी हैं और एक श्रमिक संघ के नेता भी रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं वर्तमान में, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ ये जो हॉस्पिटल के पास है वो बहुत पेड़ है, उस समय लिप्टिस के पेड़ में चमगादड़ 20-25 साल से लटके हुए हैं जी, जी हैं, इनकी संख्या 25 साल से है, लेकिन अभी तक तो किसी को नुकसान नहीं हुआ, न कोई परेशानी आई, न कोई बीमारी फैला जी, जी। लेकिन ये कोरोना बीमारी जब से आई है जी, तो लोगों के अंदर एक भावना है और दहशत आया है कि ये बीमारी चमगादड़ से फैल रहा है, तो इसलिए भयभीत हो गए हमारे यहाँ के पूरे लोग। ये ऑफिसर कॉलोनी भी है, आपके स्टाफ क्वार्टर भी है, ये प्राइवेट क्वार्टर भी मैं है। देख रहा हूँ साथ में हॉस्पिटल भी जुड़ा हुआ है जी जी समझे, और इस संबंध में आपके द्वारा क्या पहल की गई? तो हॉस्पिटल है, मैंने SDM साहब से इसके बारे में बात किया, लोगों के भावनाओं को देखते हुए मैंने SDM साहब से बात किया कि सर, ये हमारे यहाँ हॉस्पिटल के पास चमगादड़ है और इनको लोगों के अंदर भय बना हुआ है कि इसी से कोरोना वायरस फैला हुआ है, बीमारी महामारी फैली हुई है,
तो इसके हटाने के लिए व्यवस्था किया जाए। इस संबंध में आपने किस किस विभाग से और संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई है क्या, किस टाइप की बात हुई आपने? मैंने कमिश्नर मैडम से फोन लगाया लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। कमिश्नर नगर पालिका निगम की कमिश्नर? हाँ, उनसे बात नहीं हो पाई जी जी। लेकिन SDM साहब से हमारी बात हुई, SDM चिरमिरी से। चिरमिरी से जी, उन्होंने बताया कि इसके लिए हम देखते हैं कैसे किया जाए। तो मैं कहा कि सर अगर फॉरेस्ट वालों से बात किया जाए या ये जानवर के डॉक्टरों से बात किया जाए तो इसका रास्ता निकल सकता है कि यहाँ से हटाया कैसे जाए, जबकि इनको माना नहीं। आपने SDM साहब से बात हुई थी, बात हुई कितने दिन हो गए और अभी तक क्या पहल की गई? 3-4 दिन तो हो गया, लेकिन उसके बाद से मेरे को पता चला कि निगम के लोग आए थे जी जी। और ये देख ताक करके गए हैं कि आखिर इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। आपका नाम? मेरा नाम मुक्तेश्वर प्रसाद कुशवाहा है। आपको एक जनप्रतिनिधि भी हैं और कांग्रेस के उच्च पद में भी हैं, तो इस बारे में आप और क्या बता पाएंगे? कांग्रेस के किस पद में हैं आप और संगठन में किस पद में हैं? संगठन में मैं एक वरिष्ठ कांग्रेसी हूँ जी जी, कांग्रेस के रूप में कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूं। और मेरा ये इसके संबंध में यही कहना है कि प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए, क्या लोगों के भावनाओं पर सम्मान करना चाहिए कि जो दहशत बनी है वो दहशत खत्म होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चिरमिरी क्षेत्र में, हल्दीबाड़ी क्षेत्र में हॉस्पिटल के पास चमगीदड़ों का भारी संख्या में पेड़ों में बसेरा हो चुका है, इस संबंध में आपका क्या कहना है और इसको कैसे हटाने के लिए कैसी पहल की जाए, इस बारे में आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रमांक 13 हल्दीबाड़ी में जी NCPH हॉस्पिटल के सामने चमगादड़ों का बहुत पहले से बसेरा है। आज चमगादड़ और बढ़ गए हैं, इसकी जानकारी मुझे इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता एवं जिम्मेदार नागरिक सम्मानी मुक्तेश्वर कुशवाहा जी के द्वारा मुझे दी गई। मैं आकर देखा तो वाकई में स्थिति बहुत विकराल है। इसकी जानकारी मैंने SDM महोदय एवं नगर पालिक निगम चिरमिरी के आयुक्त महोदय को तत्काल दी। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द हम वन विभाग से बात करके इसका रास्ता निकालेंगे और चमगादड़ों को यहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे। लोगों में सुना जा रहा है कि इससे काफ़ी भयभीत है, क्या सच्चाई है क्या? जी, आज के परिप्रेक्ष्य में जी जी, कोरोना वायरस पूरे विश्व में महामारी का रूप ले लिया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए लोगों में भय का वातावरण है। लोग चाहते हैं जल्द से जल्द यहाँ से चमगादड़ हट जाए जिससे कि हम लोग तनाव मुक्त जीवन यापन कर सकें। सुना जा रहा है कि आसपास में हॉस्पिटल भी है, कालरी हॉस्पिटल है जहाँ काली कर्मचारियों को इलाज भी होता और एक घनी बस्ती भी है आसपास में, कितनी सच्चाई है इसमें? जी हाँ, ये सही बात है। यह NCPH हॉस्पिटल के ठीक सामने पेड़ है, उसी में ये चमगादड़ लटके हुए हैं। इसके आसपास घनी आबादी है, कालरी के क्वार्टर है, निजी आवास भी हैं, कुछ दूर पे मार्केट लगता है, ये सच है। आपका नाम? मैं सुभाष कश्यप, ब्लॉक अध्यक्ष चिरमिरी। धन्यवाद।